मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल बिहारी मीडियम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके बीच इसलिए आया हूं क्योंकि आज जो है हमारे बीच जो है इंडियन आर्मी जो कि 2023 अग्निवीर में जो सिलेक्ट हुए हैं वो जो है स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट उनमें से जो है आज हमसे मिलने आए हैं और इसी के संदर्भ में है जो हम उन स्टूडेंट को आपसे मिलवाएंगे जिनका सिलेक्शन इस बार 2023 के जो अग्निवीर जो हुआ है एग्जाम वो एग्जाम में जो सिलेक्ट हुए उन्हीं से आप लोगों को मिलवाने वाला है। तो सबसे पहला जो है कुंदन कुमार जो कि जेडआरओ दानापुर से है, इनका टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ, तो जोरदार ताली से इनका स्वागत। चलिए कुंदन जी आपका जो है सिलेक्शन हुआ है दानापुर में और ये जेडआरओ से है दानापुर में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है टेक्निकल से, तो टेक्निकल से इनका सिलेक्शन हुआ। तो पूनम जी सबसे पहला नंबर बताइए कि आप अपना पहले एडमिट कार्ड दिखाइए, हमारे जितने भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं उन सभी को एडमिट कार्ड दिखाइए ताकि गलत नहीं एकदम फैक्ट टू फैक्ट उनको पता चले कि हाँ इनका रिजल्ट हुआ। तो पूनम जी का एडमिट कार्ड ये रहा आप लोग के साथ समक्ष, देखिए पूनम जी का एडमिट कार्ड, इनका जो है रोल नंबर है बताइए पूनम जी आपका रोल नंबर क्या है टेक्निकल से, देखिए दानापुर का हम रिजल्ट निकाल चुके हैं और इनका जो है 1750 और ये देखिए 1750 46 ये यहाँ पर ध्यान से देखिए गया दानापुर है नीचे, दानापुर नीचे है एक पीला वाला ऊपर चल गया 17 कितना निकाल थे 1750 46 मुजफ्फरपुर दानापुर 1750 46 दानापुर है एसटी यानी टेक्निकल में इनका रिजल्ट है। तो कुंदन जी ये बताइए सबसे पहले मिठाई से मुंह मीठा कराइए इनको, तो ये आप मुंह मीठा कीजिए और जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। चलिए कोई बात नहीं खा लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहला नंबर कुंदन जी एक मिनट कुंदन जी आपका टेक्निकल में दानापुर से सिलेक्शन हुआ, तो आपका रिटर्न किस प्रकार से आपने रिटर्न की तैयारी की यहाँ पे जो कि ऑफलाइन रिटर्न की तैयारी हुई थी इसके बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ रिटर्न बहुत अच्छा से तैयारी रिटर्न की तैयारी किस किस टाइमिंग में कब कब आपको रिटर्न की तैयारी कराया गया था, रात में जो आपको वीडियो इससे पहले डाला गया था जो कि आप देख सकते हैं इस चैनल पे भी डाला होगा, जो रात में जो क्लास हुआ था 10 बजे करीब में 9 बजे में वो टेस्ट लिया गया था जी सर, उसमें आपका क्या प्रदर्शन हुआ करता था? उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर रहता था 140-45 यानी कि 35-36-37-40 कभी कभी क्वेश्चन होता था, अटैक 45 भी होता था। चलिए बहुत अच्छा है। अब पहले ये बताइए कि आप लोग का जो है जो अभी वहाँ पे रिजल्ट आया है तो उसके बाद आप लोग को बुलाया गया था, तो बुलाया गया था तो उसमें आपको जो है कहाँ पे ज्वाइनिंग कार्ड जो आपको दिया गया है इसका कुछ बारे में बताया गया? अभी तो नहीं पता चला है लेकिन 2 तारीख को रिपोर्टिंग करने के लिए बोला है। अच्छा। उसके बाद बताएगा कहाँ पे आपका ट्रेनिंग हुआ। चलिए आपको जो अग्निवीर में रिजल्ट आया है इस संदर्भ में आप बताइए कि आपको जब रिजल्ट आया है ये रिजल्ट की खुशी किस प्रकार हुई, कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में हमारे जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं चाहे इनका सिलेक्शन हुआ है या इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो जो है अपनी खुशी का थोड़ा सा इजहार बताइए किस प्रकार से लग रहा है आपको। रिजल्ट के बारे में तो हमें और पूरे परिवार में बहुत खुशी है, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो। और चलिए बहुत अच्छा है, इनके लिए जोरदार ताली। आशा करते हैं आपका जो है यहाँ से आगे का सफर जो है अग्निवीर में बहुत अच्छा हो और आप जो है जो अग्निवीर के हिसाब से सिलेक्ट हुए हैं, आशा करते हैं कि आप लोग जो है अग्निवीर के हिसाब से सिलेक्ट हुए हैं लेकिन जाते जाते आप वहाँ परमानेंट हो जाए यही आशा करते हैं दुआ करते हैं। तो जोरदार ताली से।